नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में, जहां आप जानेंगे 15 रहस्यमय परित्यक्त समुद्री भूती जहाज। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में, जहां आप जानेंगे 15 रहस्यमय परित्यक्त समुद्री भूती जहाज। पंद्रह रहस्य में परित्यक्त समुद्री भूत जहाज। समुद्र में बहुत सी चीजें हो सकती हैं। समुद्री डाकू, विद्रोह, हत्या और खराब मौसम का उल्लेख नहीं है। विदेशी अपहरण, समुद्री राक्षसों के साथ संघर्ष और बरमुडा त्रिभुज के रहस्य में कार्य, तो शायद इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इतने सारे जहाज अपने चालक दल या यात्रियों के बिना निकल गए हैं। लेकिन संघर्ष का सबूत कहाँ है? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक जर्मन पनडुब्बी द्वारा अपहरण करने वाले एक स्पष्ट ब्रिटिश चालक दल के लिए अलास्का तट से बार बार देखे जाने वाले एक मानव रहित भूत जहाज से हम आपको समुद्री दुनिया के 15 ऐसे रहस्यमयी भूत जहाजों के साथ पेश करते हैं, जो निश्चित रूप से आपको एक भयानक एहसास और रोंगटे खड़े कर देंगे। मैरी केलिस्टे। जब 1872 में स्पष्ट रूप से परित्यक्त मैरी सेलेस्टे की खोज का वर्णन करने की बात आती है, तो डरावना और अशांत जैसे शब्द बस इसे काटते नहीं है। ये ब्रिगेटाइन व्यापारी जहाज अंटार्कटिक महासागर में पाया गया था, जिसके कार्गो और कीमती सामान पूरी तरह से अछूते थे। 6 महीने के भोजन और पानी से भरे हुए थे, लेकिन एक भी यात्री या चालक दल के सदस्य के छिपाने या फिर बाल नहीं थे। हालांकि इसकी सामग्री गीली थी और ये पहनने के लिए थोड़ा खराब था। जहाज सिर्फ 1 महीने के लिए बाहर रहने के बाद भी समुद्र में चलने योग्य था। तथ्य ये भी है कि सभी उचित स्पष्टीकरण, तूफान से लेकर समुद्री डकैत तक, ऐसा लगता है कि विदेशी अपहरण या समुद्री राक्षस हमलों के अधिक अपमानजनक सिद्धांतों को खारिज कर दिया गया है। आज मैरी सेलेस्टे का भाग्य इतिहास के सबसे प्रसिद्ध और गुड़ समुद्री रहस्यों में से एक है, लेकिन ये अपनी तरह की एकमात्र कहानी से बहुत दूर है। केरोले डेरेगा। क्या ये बगावत समुद्री डकैत कम्युनिस्ट या फिर बरमुडा ट्रायंगल में एक विचित्र अलौकिक अनुभव था, जिसने उसके चालक दल के केरोल एडरिंग को लूट लिया था। ये 5 मस्तूल वाला वाणिज्यिक स्कूनर वर्जीनिया से रियो तक कोयले को भार पहुंचाने से वापस आ रहा था और बारबोडास में आपूर्ति बंद होने के दौरान पहले साथी को कथित रूप से हस्तक्षेप करने वाले और इतनी तेज तरार आंखों के खिलाफ धमकी देने के लिए गिरफ्तार किया गया। कप्तान लेकिन जमानत पर रिहा कर दिया गया और जहाज के नॉरफॉक वर्जीनिया के अपने गंतव्य की ओर से बढ़ने से पहले उसे माफ कर दिया गया। जहाज को तब देखा गया जब उसने अपनी उत्तरी कैरोलिना में कैप लुकआउट लाइट शिप की प्रशंसा की और जहाज पर एक विदेशी उच्चारण वाले एक व्यक्ति ने लाइट शिप के कीपर को बताया कि जहाज ने अपने लंगर खोल दिए हैं। लेकिन अगली बार जब ये देखा गया तो ये केप हैटरस उत्तरी कैरोलिन में गिर गया। चालक दल, उनका सामान और जीवन रक्षक सभी गायब। चालक दल कभी भी स्थित नहीं था और US सरकार कभी भी आधिकारिक स्पष्टीकरण के साथ नहीं आई। बेल अमेरिका। जब सार्डिनिया द्वीप के तट से पहले इटली में देखे गए किसी भी क्लासिक स्टाइल स्कॉलर को बोट पर कोई चालक दल नहीं मिला, तो ये मैरी सेलेस्टे की दोहराने की तरह लग रहा था। लेकिन ये पिछले युगों से कोई पौराणिक कथा इसकी नहीं है। 2006 में इटालियन कोस्ट गार्ड देखा गया था। इस भूत जहाज में मिस्र के भोजन का आधा खाया हुआ भोजन, उत्तरी अफ्रीकी समुद्र के फ्रांसीसी नक्शे कपड़ों का ढेर, लग्जमबर्ग का झंडा और बेल अमेरिका नाम की एक लकड़ी की पट्टिका थी। इतालवी अधिकारियों ने पाया कि जहाज को किसी भी देश में पंजीकृत नहीं किया गया था, क्योंकि जहाज को प्रेस में एक प्राचीन के रूप में गलत पहचाना गया था। सार्वजनिक हित की सुनामी ने मामले को घेर लिया, लेकिन ये जल्द ही एक लग्जमबर्ग व्यक्ति से संबंधित एक आधुनिक नौका के रूप में सामने आया, जिसने संभवतः इसे कर चोरी के उद्देश्यों के लिए पंजीकृत नहीं किया था।
हाई एम 6 हत्या विद्रोह और सड़ती मछली हाई एम 6 की कहानी अजीब है। ये ताइवानी जहाज 2003 में अपने चालक दल के बिना ऑस्ट्रेलियाई जल में बहता हुआ पाया गया था। हालांकि चालक दल के निजी सामान और बदबूदार समुद्री भोजन से भरी एक पकड़ के साथ बहुत सारे ईंधन और प्रावधान जहाज पर बने रहे। एक फॉरेंसिक परीक्षा में संघर्ष का कोई संकेत नहीं मिला और 7,300 समुद्री मील की खोज में कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन जहाज के खोज के 10 दिन बाद भी जहाज के लापता इंजीनियर के सेल फोन पर इंडोनेशिया से कॉल किए जा रहे थे। ट्रैक किए गए एकमात्र चालक दल के सदस्य ने दावा किया कि कप्तान और इंजीनियर की हत्या कर दी गई और चालक दल अपने घरों में वापस चला गया, लेकिन कोई कारण नहीं बताया गया। उम्मीद करते हैं दर्शकों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।